बुक चूज कर रहे हो? कौन सी? वेलकम बैक टू माई चैनल संगीता राजा व्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स, मैं अभी बच्चों के स्कूल में हूँ, दिल्ली कैंट में आर्मी पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे आज बच्चों का था रिपोर्ट कार्ड, तो बस वही लेने आई थी। और हाँ, अगर बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहा हो तो सॉरी, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चन थे कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन कब से मतलब स्टार्ट हो रहे हैं और कितने फीस है, और ये सारे मतलब बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो वही सब मैं आज यहाँ पूछने आई हूँ। और उस तरह से भी जैसे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के साथ में मतलब आप लोगों के क्वेश्चन के आई हूँ। ऑफिस में जाऊँगी मैं अभी और पूछती हूँ कि मतलब सिविल वालों के लिए एडमिशन है या नहीं है। ये सब कुछ मैं पूछ के आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो सॉरी कि मैं आप लोगों को बहुत लेट से जवाब दे रही हूँ, लेकिन हाँ, आज आप लोगों को सभी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक, जो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब लेके आ रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, हाँ, टैंक है पीछे रखा हुआ और काफ़ी अच्छा है। देखो, यहाँ का व्यू दिखा सकती हूँ मैं, काफ़ी बेस्ट है। और आगे भी आप लोग बने रहिएगा। मैं कुछ कुछ क्लिप ली हूँ स्कूल का, और आज रिपोर्ट कार्ड लेने सारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ आए हैं फ्रेंड्स। तो सारे काफ़ी भीड़ है स्कूल में, और एडमिशन भी ओपन है तो उस वजह से भी भीड़ है। तो चलो, मैं आप लोगों के साथ आगे का थोड़ा थोड़ा क्लिप भी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लेके चल रही हूँ आपको अंदर। यहाँ पे है फर्स्ट वाला जो देख रहे हो, यहाँ पे है ऑफिस जहाँ पे एडमिशन वगैरह किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, क्योंकि आज है पीटीएम। तो पीटीएम की वजह से सारे पेरेंट्स की भीड़ लगी है, बच्चों की भीड़ लगी हुई है, और एक्चुअली स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी पेरेंट्स एडमिशन के लिए भी आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ जब एडमिशन होता है तो एडमिशन से पहले टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, और उसके बाद में एडमिशन दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्राफ्टिंग वगैरह, तो ये सारे बच्चों का किया हुआ है, बड़े बड़े बच्चों का। और यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है पेरेंट्स की, और ये जो भी आर्ट्स और क्राफ्ट दिखा रही हूँ ये सारे बच्चों का किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्कूल में काफ़ी अच्छे से वर्किंग करवाते हैं बच्चों को। मतलब ये है कि बच्चा काफ़ी मतलब यहाँ पे मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है, पढ़ाई है, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता दूँ कि दिल्ली में तीन आर्मी पब्लिक स्कूल है, एक है दिल्ली कैंट, एक है धौला कुआ, और एक है शंकर विहार आर्मी पब्लिक स्कूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन स्कूल दिया गया है। और जैसे कि आज के दौरान पे हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े और खूब आगे बढ़े, हर पेरेंट्स की एक चाहत होती है। और एक जो कंपटीशन का ज़माना आ गया है फ्रेंड्स, तो इस टेक्नोलॉजी में और कॉम्पिटिशन में हर एक बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमें अपने बच्चे को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, और वो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल चॉइस करते हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। और यहाँ का एक चीज़ ये भी है कि सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है। सिक्योरिटी के मामले में फ्रेंड्स, जब भी अगर कोई गेट से एंट्री करते हैं तो ऐसे ही एंट्री नहीं करने देते हैं, सबसे पहले वहाँ पर सिग्नेचर लेते हैं, उसके बाद में स्कूल में एंट्री करने देंगे। अगर हमारे बच्चे को भी अगर हमें खुद को लेना होता है तो बच्चों को बीच में ऐसे नहीं छोड़ते हैं, जब तक बच्चों का पास नहीं बनेगा तब तक वो पेरेंट्स को नहीं सौंपेंगे। और बच्चों से पूछा जाता है क्या ये आप लोगों के पेरेंट्स हैं, बच्चा अगर हाँ बोलेगा तभी बच्चों को स्कूल से छोड़ा जाता है। और बस की बात करें फ्रेंड्स, तो बस में भी टीचर्स लोग बस में बिठाते हैं स्कूल से, और जब बस वाले घर तक छोड़ के देते हैं तो बस वाले भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं जब तक उनके पेरेंट्स ना आ जाए। अगर जो ज़्यादा ही छोटा बच्चा है तो उसका जब तक पेरेंट्स नहीं आएगा तब तक बच्चा को नहीं छोड़ा जाएगा।
और फ्रेंड्स ये स्कूल काफ़ी बहुत अच्छा है, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छे से बच्चों को करवाया जाता है, स्पोर्ट भी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। जिस बच्चे को स्पोर्ट में मतलब पार्टिसिपेट करना होता है तो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, मतलब हर एक बच्चे के चॉइस को यहाँ पे देखा जाता है। और उसके साथ ही साथ बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी बात बताया जाता है, डिसिप्लिन मैनेज, मतलब बहुत अच्छा स्कूल है फ्रेंड्स और काफ़ी बेस्ट है, पढ़ाई से लेके तो सिक्योरिटी से लेके तो बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत ही बेस्ट स्कूल है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप देख रहे हो स्कूल भी देखने में काफ़ी बेहतर है। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि देखो बच्चों में भी होता है कि अगर बच्चा खुद से मेहनत करे, अगर वो एक नॉर्मल स्कूल में भी है ना, तो बच्चा आगे बढ़ के ही कुछ कर सकता है। और जो बच्चा बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहेगा और हम उसके पीछे अगर लाखों भी खर्चा कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। मैं आपके सारे सवालों के जवाब पूछ लिए हैं और मैं घर जाती हूँ, और घर में जाने के बाद आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी और आपके जो भी क्वेश्चन थे तो सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगी फ्रेंड्स। तो चलो चलती हूँ मैं अभी घर, तो देख सकते हो बैकग्राउंड से भी स्कूल का सीन और मैंने काफ़ी इस वीडियो पे दिखाया भी है। तो चलो और घर पे चल के मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर देती हूँ फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा आप लोग भी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे तो मेरे से आगे भाग चुके हैं। और यहाँ पे बुक सेशन भी लगा हुआ है कि जैसे बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सब यहाँ लगे हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन से बुक्स हैं, और बच्चों के लिए भी शायद मैं देखती हूँ, स्टोरी बुक्स होनी चाहिए बच्चों के पास में रीडिंग स्किल के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बुक शॉप लगे हुए थे, तो यहाँ पे वही बुक देख रहे थे कि सारे इसमें स्टोरी बुक्स लगी हुई थी, तो मैं वही देख रही थी कि मतलब क्या होता है ना कि स्टोरी बुक्स वगैरह बच्चों को पढ़ने से उनकी बुक रीडिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो वही मैं देख रही थी कि मुझे लेना कौन सा है। तो मैं यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी देख रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ना हर एक क्लासेस के लिए बुक लगी है, बच्चा जैसे UKG में हो या फर्स्ट में हो, जिसे अनाराम जो भी मतलब स्टार्टिंग से होता है बेसिस वाले, वो सब कुछ यहाँ पे सारे बुक्स लगे थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे जैसे बुक्स वगैरह मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सच बताऊँ मैं, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, अगर आपको भी एडमिशन करवाना है तो ज़रूर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आगे वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। बुक चूज कर रहे हो, कौन सी बुक चूज कर रहे हो? हाँ कौन सी भी, कौन सी कर रहे हो आप, कौन सी क्लास में हो? हाँ सेकंड में हो? हाँ जनवरी सेकंड में हो। आपको कौन सी बुक पसंद आई? फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दोनों बच्चों की बातें इतनी अच्छी लगी ना, इसलिए मैं उनसे बात करने लग गई थी। और अब हम निकलने लगे हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग घर जा रहे हैं, तो डैडी आगे गए, तो ये फॉर्म वगैरह दिए हैं कोचिंग के लिए, शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो अभी घर चलती हूँ और घर में जाने के बाद आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो बच्चे बोल रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे, तो चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, आ जाओ। आप सबको राधे राधे फ्रेंड्स। मैं सुबह जब बच्चों के साथ स्कूल से आई तो काफी काम में बिजी हो गई थी, तो उस वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो डायरेक्ट मैं आप लोगों से नाइट में मिल रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों के काफी फ्रेंड्स के मेरे क्वेश्चन आए थे कि मतलब एडमिशन कैसे होता है आर्मी स्कूल में, क्या सिविल वाले बच्चों को कर सकते हैं, तो मैं वो सभी आप लोगों को आंसर जरूर बताऊंगी। जितना मैंने स्कूल से इन्फॉर्मेशन लिए है तो वो सब का आंसर जरूर बताऊंगी फ्रेंड्स। और सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उस लायक समझे और मुझसे कुछ पूछे आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। और सॉरी कि मैं काफ़ी लेट आप लोगों को आंसर दे रही हूँ, क्योंकि इससे पहले फ्रेंड्स वहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा था आर्मी स्कूल में, इसलिए मैं आप लोगों को कोई भी आंसर नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब आर्मी स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं,
तो अभी एडमिशन ओपन है फ्रेंड्स, और क्या है ना कि 30 मार्च तक एडमिशन रहेगा और उसके आगे भी हो सकता है। जैसे जैसे अगर एडमिशन आते हैं ना तो अप्रैल तक एडमिशन रहते हैं फ्रेंड्स आर्मी स्कूल में। और जैसे कि जो फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है तो चलो मैं उनका नाम ले लेके बताती हूँ। आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन किए थे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में ये शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो विद्यावादी है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैडम सिविलियन का एडमिशन कैसे होता है और फी स्ट्रक्चर क्या है क्लास वन के लिए। तो फ्रेंड्स मतलब सिविल वालों का जो एडमिशन है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आर्मी वालों को ही एडमिशन दिया जाता है सबसे पहले। अगर आर्मी वालों के बाद में अगर वहां पे अगर सीट्स खाली होते हैं तो सिविल वालों को उसके बाद में दिया जाता है। और जब मैंने उस स्कूल में पूछी जहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली कैंट में, उनसे जब हमने पूछे अगर आप दिल्ली से हो तो उन्होंने बोला था कि जो दिल्ली कैंट में है तो वहाँ पे हम अभी एडमिशन नहीं दे सकते हैं सिविल वाले को, सबसे पहले वो धौलाकुआ में ट्राई करे उसके बाद में हम सिविल वाले को यहाँ पे ट्राई, मतलब वहां से अगर मना कर देते हैं तो दिल्ली कैंट में लेंगे। तो उन्होंने इस तरह से आंसर दिया था फ्रेंड्स। फिर भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके लोकल में जो भी आर्मी स्कूल है जहाँ हम रहते हैं वहां से, मतलब वहां पे 3 आर्मी स्कूल है, एक है दिल्ली कैंट, एक है धौलाकुआ और एक है शंकर विहार, जो वीआरसी के पास है शंकर विहार, और ये दिल्ली कैंट है जो सदर बाजार के पास में है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोकल में जो भी आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है तो आप जरूर वहां जाइएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, आप वहाँ ऑफिस में जाके पूछ सकते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वो डिटेल में दे देंगे। और जैसे कि आपने फीस पूछा था तो फीस स्ट्रक्चर ऐसे है फ्रेंड्स कि वहां पे क्वार्टरली मतलब लिया जाता है। और एडमिशन के लिए जब आप जाते हो तो सबसे पहले एडमिशन के लिए लेते हैं, उसके बाद में क्वार्टरली स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड फ्रेंड्स ने पूछा था, सूर्या के बिस्ट ने पूछा था, एडमिशन ओनली आर्मी एंड सिविल डिफेंस एम्प्लॉई दिस ईयर। तो फ्रेंड्स मैं आपसे पहले जैसे कि अभी इनको बताया था विद्यावादी जी को, उसी तरह से मैं आपको भी बोलूंगी कि सबसे पहले आर्मी वालों को ही एडमिशन लिया जाता है, उसके बाद में सिविल वालों के बच्चों को, जो भी अगर सीट खाली होते हैं तो सिविल वाले के बच्चों को दिया जाता है। मेरी प्यारी सी फ्रेंड रेनू कुमारी जी ने पूछा है फीस कितना है। तो फ्रेंड्स फीस आर्मी स्कूल का जितना आर्मी वाले के बच्चों के कंपेयर में सिविल वालों का एक्स्ट्रा चार्ज होता है, मतलब आर्मी वाले से एक्स्ट्रा चार्ज उनसे लिया जाता है। नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी एडमिशन कैसे होगा, सॉरी मैं इनका नाम नहीं लिख पाई, कैसे होगा, मेरी बेटी का करवाना है 5th क्लास में, हो जाएगा क्या एडमिशन। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर एक बार, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, अगर आप रहते हो और आपके लोकल में आर्मी पब्लिक स्कूल है तो आप सबसे पहले गूगल में जाइएगा, जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल होगा उसका नाम लेके, जैसे कि मेरे बच्चों के स्कूल का नाम है दिल्ली कैंट, तो दिल्ली कैंट है तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे दिल्ली कैंट, तो वो स्कूल का नाम गूगल में दिखा देगा और वहां का आप नंबर बोलिएगा, उसमें पूछिएगा सर्च करके, तो जरूर आप लोगों को उस स्कूल का नंबर मिल जाएगा और आप वहां पे उस नंबर पे कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स वो सारा डिटेल में आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को जैसे कि मतलब आर्मी वाले के बाद में जो भी सीट मिलती है तो पक्का सिविलियन को देते हैं फ्रेंड्स, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप लोगों की भी इच्छा है कि आर्मी स्कूल में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद में क्या है कि आप नंबर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहां पे नंबर दे दिया जाएगा और आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से ले सकते हो, क्योंकि जितना मुझे पता था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरी बातें में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हुई होगी तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और प्लीज अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर हार ना मानिएगा, अगर आप लोगों को लगता है तो जरूर आप कोशिश करिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा,
क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोग इन्फॉर्मेशन लेके कर सकते हो, क्योंकि जितना मुझे पता था फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर दी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आर्मी स्कूल कैसा लगा, जरूर बताइएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।